हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? कैसे हैं और कहाँ पर हैं? यस यस यस, सो आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी फॉर द सुपर अमेजिंग सेशन ऑफ द मेंटी क्विज. यस, आज हम करने वाले हैं अपना मेंटी क्विज, और फुल कोर्स का मेंटी क्विज करने वाले हैं. सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए, और हम इसको फिर क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार कौन कौन से बच्चे हमारे पास आ गए हैं. ओके, स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग. आ रहे हैं बच्चे? यस सर, स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं. तो हमारे पास आदित्य अग्रवाल, असद खान, डॉक्टर बिहारी बाबू, सभी लोग आ जाइए जी, फटाफट आ जाइए. एंड यूज़ दिस कोड 8451 37, 8451 37 पर जाकर आप इस कोड को डाल दीजिए. ठीक है, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं. चलें फटाफट फटाफट फटाफट, गो टू मेंटी डॉट कॉम, मेंटी डॉट कॉम पर जाइए, एंड इस कोड को क्या करेंगे, आप वहाँ पर जाके डालेंगे. ठीक है, ओके ओके ओके. मुझे बताइए, मंदिरा मुखर्जी आवाज़ आ रही है बेटे आपको मेरी? असद खान, हेलो बेटा. असद, मैंने आपको कहा था मुझे कॉल करना, आपने कॉल नहीं किया मुझे. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न यू डिडंट कॉल मी? क्या रीज़न है? चलो जो भी रीज़न है, आज कॉल ज़रूर कर लेना मुझे. ठीक है, मुझे, मैंने आपको कुछ बताना है बेसिकली, बड़ा ज़रूरी है. या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँ, मैं आपसे बात कर लूँगा. ओके ओके ओके. और कौन कौन से बच्चे हैं हमारे पास, और कौन से बच्चे हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि ये कोड जो है हमारे पास, इज दिस कोड इज़ वर्किंग? 8451 37 वाला जो मेंटी कोड है, क्या ये काम कर रहा है? इफ़ इट इज़ वर्किंग टेल मी येस, और नहीं काम कर रहा तो मुझे बताएं नो, देन आई विल रीस्टार्ट दिस पार्ट. मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट करूँगा. ओके, तो मैं, मेरे को लगता है मुझे इसको एक बार रिस्टार्ट कर ही लेना चाहिए. लेट मी रिस्टार्ट इट, रिस्टार्ट इट वंस. ठीक है, हेलो दित, चलें फटाफट आ जाएं, स्पीड में आ जाएं जी. ओके ओके ओके, कम ऑन कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, ज्वाइन कर लो जब तक कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ. इट इज़ गेटिंग स्टार्ट. और जो बच्चे नए नए आए हैं, वो क्या करेंगे भाई, वो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे. ठीक है जी, तो सर क्या हम शेयर कर दें? हाँ, हम शेयर कर दें, बिल्कुल शेयर कर दीजिए इसको. ठीक है जी, शेयर कर दीजिए. आज का सेशन बहुत ही सुपर अमेजिंग होने वाला है. हम फुल कोर्स सेशन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू अ फुल कोर्स सेशन. ठीक है, सिद्धार्थ मेतु, कृष्णा मोहपात्रा, आज जितने बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जितने ही भी स्टूडेंट्स ने तैयारी कर रखी है पूरे नीट के सिलेबस की, उनके लिए आज सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितने तेज हैं आंसर देने में. ठीक है ना, हाउ मच फास्ट दे आर इन आंसरिंग दी क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन उनसे दिया जाए, उनको एक क्वेश्चन दिया जाए, तो कितनी देर में एक क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, अटैम्प्ट कर पाते हैं. आज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेंगे कितने सेकेंड्स, यू विल जस्ट गेट 15 सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स मिलेंगे आपको, यू विल बी ओनली गेटिंग 15 एंड 15 सेकेंड्स. ठीक है, तो कोड डाल दीजिए www.menti.com पर जाकर, कोड डालिए 8451 37, 8451 37 कोड को डालेंगे, और ये बच्चे हमारे पास जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं. स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग हेयर, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो सर हमें कितने पे स्टार्ट करें? सोनम चौधरी पूछे सर, व्हाट इज़ अ मेंटी कोड? मेंटी कोड है हमारे पास 8451 37. द कोड इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप ऑफ द स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इस मेंटी कोड को देख सकते हैं. सिद्ध सोनी, शुभम पांडे, सुनील नागरोजे, सभी बच्चे आ गए हैं भाई. जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे. ठीक है, एलीट गेमिंग, हेलो बेटा, हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आदित्य अग्रवाल ये कह रहे थे कि सर प्लीज़ प्रोवाइड वन शॉट वीडियो लाइक्स, गारंटीड 48 मार्क्स. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दोज वीडियोज़, मैं आपको पक्का 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 वो वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँगा. ठीक है, ये डाउट वाला चेहरा लेकर कौन आया है, कौन आया है ये? सर आज के चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं है, आज के चैप्टर से आपको शायद एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या हो सकता है ना भी देखने को मिले. ठीक है, बट पेपर आज, मतलब आपका ये क्विज है ना, एक तरह से मॉक टेस्ट है, दिस इज अ मॉक टेस्ट. ठीक है, नीट में आप नॉर्मली एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं 30 टू 40 सेकेंड्स में, पर यहाँ पर जो आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, यू विल गेट ओनली 15 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. चलें एक बारी यहाँ पर हमारे पास कितने स्टूडेंट जुड़ जाते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, 20 25 स्टूडेंट्स, देन वी विल स्टार्ट दिस क्विज. हम क्या करेंगे, हम इस क्विज को स्टार्ट कर देंगे. तो चलें जी, बुला लें सभी को, फटाफट बुला लें. ओके, बुला लें जी, बुला लें अपने सभी दोस्तों को, बुला लें कि सर क्विज स्टार्ट होने वाली है. ओके,
ओके, थ्री मोर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, फटाफट आ जाने दीजिए, वरना बोलेंगे कि सर आपने हमें पूरा मौका नहीं दिया यहाँ तक आने का। हेलो एलिट गेमिंग, चलें चलें चलें, फटाफट फटाफट जुड़ते जाएं स्पीड में, वरना पता क्या होगा, अदरवाइज यू विल लैग बाय 1000 पॉइंट्स, आप 1000 पॉइंट्स से पीछे हो जाओगे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो। ठीक है, चलें। हेलो अनय मिश्रा भाई, जितने ही बच्चे बैठे हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेशन बहुत ही सुपर अमेजिंग तरीके से, बहुत सुपर फास्ट तरीके से चलने वाला है। सो बी एनर्जेटिक, बी कॉन्शियस और तरीके से आंसर देना। ठीक है जी, खादिया तलकुदार, आदित्य अग्रवाल, रजमाल मैदा, ये सभी बच्चे आ गए हैं। ठीक है भाई, फटाफट ज्वाइन कर लो, www.menti.com पर जाइए एंड यूज़ दिस कोड 845137। इस कोड को फटाफट क्या करें, यूज़ कर लें। ठीक है, चलें यार, ठीक है ना, अब हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास बढ़ गया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेट मोर, हम ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो जो बच्चे आ रहे हैं वो इस कोड को डाल के यूज़ करते रहेंगे 845137, इस कोड को हैश टैग में चला दो। ठीक है जी, चलें शुरू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 चलें। ओके, www.menti.com पर जाएं और कोड को यूज़ करें 845137। और पहला सवाल आ चुका है, मोनास्कस पर्पिरियस इज अ ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या बनाने के लिए खास तौर पे इस्तेमाल हुआ करती है। ऑप्शंस आर इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सिट्रिक एसिड या स्टैटिन्स। चलें 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 चलें, बहुत स्पीड में आंसर देना था आपको इसका। एवरीवन हैज़ वोटेड, सभी बच्चों ने वोट कर दिया है एंड यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हमें मिलते हैं किससे, मोनास्कस पर्प्यूरियस से। स्ट्रेप्टोकाइनेस हमें मिलता है किससे, बताओ फटाफट, ये मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। सिट्रिक एसिड हमें मिलता है किससे, एसिड हमारे पास सिट्रिक एसिड हमें मिलता है एस्परजिलस नाइगर से। और इथेनॉल हम बनाते हैं फर्मेंटेशन करके यूजिंग सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, सभी लोग इसका आंसर जानते थे, यस सर हम जानते थे। चलें आगे आते हैं, तो देखते हैं कि सबसे तेज इसका आंसर किसने दिया हमारे पास, हु इज़ द फास्टेस्ट वन, कौन है सबसे तेज बच्चा। शीना, सोनम चौधरी, पूजा जैन वर्मा, पूजा जैन वर्मा उस दिन भी काफ़ी जीत रही थी, आज का देखते हैं। ओके, सो सबसे फास्टेस्ट शीना ही है ऑब्वियसली, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, शी गॉट 976 पॉइंट्स, और सोनम चौधरी उनसे बस 2 पॉइंट्स पीछे रह गई हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर अब कौन ग्रिप लेता है, आगे बढ़ता है कि कौन बढ़त ले लेता है। तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, चलें स्पीड में, चलें चलें चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, चलें चलें चलें। ठीक है, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, जितना आप फास्ट आंसर देंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। द टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस आर, ऐसी कौन सी इनमें से दो गैसेस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस में, कंट्रीब्यूट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, अरे टाइम भी हो गया यार, द टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर, क्या सभी ने आंसर दे दिया था, हैज़ एवरीवन आंसर्ड, यस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोड हमारे पास बहुत तेज चल रहा है, हम बहुत तेज इसको प्ले कर रहे हैं, यस 17 में से 13 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस को करने में। चलें बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल ये रहा आपके, अच्छा अपने उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कि जी कौन आ रहा है, लेट्स ओके, तो देखते हैं कि सबसे तेज आंसर किसने दिया इसका, हु इज़ द वन, सबसे फास्ट कौन निकला है यहाँ से हम में से। ओके ओके ओके, ओके सो सबसे तेज आंसर दिया है यहाँ पर हमारे पास पूजा जैन वर्मा ने, गलत आंसर दे दिया, शीना सुष्मिता ने थोड़ा सा सोच के आंसर दिया है, बट सबसे फास्ट है कौन हमारे पास, शेबानी मिश्रा उस दिन ही बहुत अच्छा खेल रही थी, पर उस टाइम उस दिन जिन जीती थी हमारे पास कौन सी, पूजा जैन वर्मा, हम उस दिन जीत गई थी। ठीक है, चलें जी अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट
आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, जितना तेज आप आंसर दोगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, बेटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं पहले भी करवा चुका हूँ उस तरह का क्वेश्चन आपको। ऑप्शन दे रखा है थाइलोबैसिलस, बैसिलस सब्टिलिस, सुडोमोनास या थर्मस एक्वाटिकस। चलें फटाफट 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 आंसर देना है अपने इसका स्पीड में। ओके 18 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है इसका, और देखते हैं कि सबने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया। यस हमारे पास 2/3 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर वाज थर्मस एक्वाटिकस। ये हमारे पास एक थर्मो एसिडोफिल होता है, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो 70-80 डिग्री सेल्सियस तक भी इसकी बॉडी में काम चलता रहता है, और इसकी बॉडी से हम निकाल के लेकर आते हैं क्या, डीएनए पॉलीमरेज। और क्योंकि अब थर्मस एक्वाटिकस की बॉडी से लेकर आए हैं तो थर्मस का टी और एक्वाटिकस का ए क्यू मिलकर बनता है हमारे पास टैग पॉलीमरेज। ठीक है जी, चलें चलें जी, तो देखते हैं सबसे फास्टेस्ट कौन है यहाँ पर, सबसे फास्ट बच्चा कौन है, इसने आंसर दिया है शिवानी सोनम चौधरी, यो हनी सिंह एज नोन एज स्टार। शिवानी अभी भी नंबर वन पे हैं और इनके एग्जैक्टली 2800 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलें जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। चलें बेटे स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है ना, बेल्ट वेल्ट बांध के रेडी हो जाओ फटाफट। नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद द राइनोसोरस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपने इसको बताना है। ऑप्शन है काजीरंगा, रणथंबोर, कॉर्बेट नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर्स। चलें चलें आपको मैं वो दे सकता हूँ कि असम में है ये, इट इज़ इन असम, एंड यस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। हमारे पास क्या है, राइनोसोरस का घर माना जाता है इंडिया में, जो कि असम में सिचुएटेड है। शाबाश, और देखते हैं कि सबसे तेज किसने आंसर दिया, सुशील कुमार कह रहे थे काजीरंगा। चलें तो अजमेर अर्पिता, सोनम चौधरी और शीना सुष्मिता ने गलत आंसर दिया है, शिवानी मिश्रा ने सही आंसर इसका दिया है, और गौरव जैन वर्मा ये हमारे पास आगे आ गए, इन्होंने नाम चेंज कर लिया, नहीं पूजा जैन वर्मा। अरे यार आप दोनों क्या रिलेटिव हो क्या, गौरव जैन वर्मा और पूजा जैन वर्मा, अगर हो तो मुझे बताओ यहाँ पर। श्रुति वगैरह बेटे यहाँ पर प्ले मत करो, नीचे नीचे यहाँ पर चैट बॉक्स में करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट वुड बी बेटर इफ़ यू प्ले ऑन दी मेंटी, यूज़ दिस कोड 845137। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे तो बेटे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है जी, बढ़ जाएँ आगे। आदित्य अग्रवाल, श्रुति खाजिदा, ठीक है ना, प्ले ऑन द मेंटी, मेंटी पे जाके खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। चलें स्पीड में स्पीड में स्पीड में चलें भाई, बहुत तेज आंसर देना पड़ेगा। 20 जूल टोटल एनर्जी है, 10% रूल लगाएंगे इस पे तो कितनी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। यू विल हैव जस्ट 10 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी स्पीड टेस्टिंग में कर रहा हूँ आज, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम देता हूँ आंसर करने के लिए। तो देखते हैं कुछ बच्चे आंसर भी दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं। कुछ बच्चों ने शायद तुक्का तो नहीं मार दिया, लेट्स सी, देखते हैं कि गलती हो गई, गलती हो गई। 10 बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने गलत आंसर दिया था। करेक्ट आंसर वॉज 0.02 जूल, दिस वॉज द करेक्ट आंसर। देखो यार प्लांट में 20 जूल एनर्जी है, तो जब माइस में आएगी तो इट विल बिकम 2 जूल, स्नेक में जाएगी तो इट विल बिकम 0.2 जूल, और जब ये पीकॉक में जाएगी तो इट विल बिकम 0.02 जूल। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट था। यहाँ पर 15 सेकंड्स मिले थे, ज़्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया, पर 7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है भाई, वो क्या मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिसक्लिक हो गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर फटाफट अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, फटाफट आ जाओ फटाफट, अगला क्वेश्चन आने वाला है। और श्रीराम देवरथी कह रहे हैं कि सर हमने गलत आंसर दे दिया नीचे, मिसक्लिक हो गया। खैर कोई बात नहीं, पर शिवानी अभी भी नंबर वन पे चल रही हैं, ठीक है। गौरव जैन वर्मा और पूजा जैन वर्मा ये नीचे सर गए थोड़े से, ठीक है। और यो हनी सिंह एज नोन एज स्टार ये नंबर 2 पर आ चुके हैं, और ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं शिवानी मिश्रा को, ठीक है। चलें आज अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, फटाफट स्पीड में। ए सिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑप्टेंड वन, ये ऐसा कर्व हमें कम मिलता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब लाइन हमारे पास जाके क्या होती है, हमारे पास बिल्कुल वो पैरल हो जाती है एक्स एक्सिस के, कम मिलता है। द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेज 0, के इज इक्वल टू एन, के इज ग्रेटर देन एन, के इज लेस देन एन। हम सब जानते हैं जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाते हैं तो लाइन हमारे पास क्या होती है, जाके बिल्कुल पैरल हो जाती है एक्स एक्सिस के। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट था। इन दैट केस वी गेट ए सिम्प्टोट कर्व, ठीक है जी, शाबाश, गुड, बढ़ जाएं आगे। ओके तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया और सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है हमारे पास। तो शिवानी मिश्रा अभी भी तेज हैं, यो हनी सिंह एज नोन एज स्टार पीछे हो चुके हैं, सिद्धार्थ फ्रॉम मास्टर्स एकेडमी ये रैंक नंबर 2 पर ये आ चुके हैं,
और पूजा जैन वर्मा और गौरव जैन वर्मा ने क्या करा है, रैंक अपनी इम्प्रूव करी है। गौरव जैन वर्मा को पीछे छोड़कर पूजा जैन वर्मा नंबर 3 पर आ गई है। ठीक है जी, चलें जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो 845137 कोड को डालेंगे कहाँ पर, जाके menti.com पर, और उसके बाद वो ये एक सुपर अमेजिंग क्विज जो है हमारे कंप्लीट सिलेबस की उसको ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको खेल सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, चलें फटाफट आ जाएं। 845137 कोड है, द ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, किससे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शंस आर राइजोबियम, सैक्रोमाइसी, इश्किरिया या माइकोबैक्टीरियम। फटाफट आंसर देना है आपने इसका, स्पीड में फटाफट खेलें यार, फटाफट खेलें, चलें। हाँ चलें। यस वी नो कि हमें वो किसे मिलता है, हमें वो इकोलाइसी मिलता है, और सबसे पहले ये काम करता था किसने, 1984 में काम करता था एली लिली ने, उसने इंसुलिन के दोनों ही क्या करे थे, इंसुलिन के जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, उनको अलग अलग इकोलाई में डाल के उनसे निकलवा लिया था, और निकालने के बाद क्या कर दिया था उन्होंने, उसको आर्टिफिशियली बाई यूजिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपस में जोड़ दिया था, और एक मैच्योर हार्मोन जिसका नाम था ह्यूमुलिन या इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, वो प्रोड्यूस हुआ था। शिवानी मिश्रा टॉप पे अभी भी काबिज हैं, सिद्धार्थ पीछे हो गए हैं, यो हनी सिंह आगे आ गए हैं। ठीक है, गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब तक बच्चे कोड डालते हैं 845137 और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फटाफट। चलें, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया आर द वराइटीज ऑफ, जया और रत्ना इनमें से किसकी वराइटीज हैं, ऑप्शंस आर मेज, राइस, व्हीट या बाजरा, किसके हैं ये पेपर में इतनी सीधा एज इट इज सवाल पूछा जा सकता है, बताएं फटाफट। ध्यान रखना, सोना और सोनाली का जो हमारे पास वो व्हीट के हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज राइस। जया और रत्ना जो हैं ये हमारे पास राइस के एग्जांपल्स हैं, राइस की वैरायटीज हैं, और इसको डेवलप करता है किसने, हमारे पास पूसा ने, पूसा मतलब पूसा दिल्ली में एक जगह है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, चलें जी बढ़ जाएं आगे। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चों ने यार टॉपिक ढंग से पढ़ा हुआ था, जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्होंने सही आंसर दिया होगा। विष्णु प्रजापति इसका आंसर कह रहे हैं ए, नहीं इसका आंसर बी था। श्री राम और सोनम चौधरी ने गलत आंसर दे दिया। शिवानी अभी भी नंबर 1 पे, फास्टेस्ट रहे इसमें सिद्धार्थ। चलें भाई, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस सुपर अमेजिंग सेशन को शेयर कर दो, जैसे जितना आप शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा वो कंपटीशन मिलेगा, जितना कंपटीशन मिलेगा उतना ज़्यादा आप कॉम्पीट करोगे, जितना ज़्यादा आप कम्पीट करोगे अपने साथ वालों से उतना ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्या होगी, यू विल इम्प्रूव, आपके स्किल्स उतने रिफाइन होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। अनिल मिश्रा कह रहे हैं सॉरी सर रॉन्ग आंसर, कोई बात नहीं बेटे, अब स्कोर कर लो, 845137 कोड डालो और खेलना शुरू करो। चलो, बॉट्यूलिज्म कॉज बाय द क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम अफेक्ट्स द, इस बीमारी में क्या होता है, मैं आपको ऑप्शन मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें बेसिकली एक टॉक्सिन बनता है, जो टॉक्सिन यह करता है बॉडी के एक पार्ट को अफेक्ट करता है, वो क्या पार्ट है, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। 19 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर द क्वेश्चन, चलें देखते हैं। यस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसका करेक्ट आंसर है, लिम्फ ग्लैंड या इंटेस्टाइन का आंसर नहीं है, और स्प्लीन तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बॉट्यूलिज्म में क्या होता है, एक एंडोटॉक्सिन, एक टॉक्सिन बनाता है ये बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम है हमारे पास, और ये जो एंडोटॉक्सिन है, ये एंडोटॉक्सिन बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं भाई मोटर एंड प्लेट पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स इसके न्यूरोट्रांसमीटर के, जैसे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे क्या करता है, उनसे बाइंड कर जाता है और उनको ही इनएक्टिवेट कर देता है। अब उनकी इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा बेटे, जब ऊपर से आके उस पर एसिटाइल कोलिन गिरेगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वॉज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, देखते हैं, लेट्स सी हाउ मैनी हैव आंसर द करेक्ट। शिवानी, योयो मिश्रा, योयो हनी सिंह, सिद्धार्थ ने सभी ने गलत आंसर दिया है, पूजा जैन वर्मा ने सही आंसर दिया है, बट इनकी रैंक अब बहुत अच्छी हो गई है, अब वो रैंक नंबर 2 पर आ गई हैं, और गौरव जैन वर्मा हमारे पास रैंक नंबर 3 पर आ गए हैं। ठीक है जी, चलें बढ़ जाएं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा जैन वर्मा के लिए कि वो शिवानी से अपना जो फासला है उसको कम कर सकती हैं। ठीक है, ये वाला आंसर गलत दे दिया था हमारे पास किसने, शिवानी ने, खैर चलें छोड़ते हैं, चलें आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, फटाफट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और भाई वीडियो को लाइक करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन, इनमें से कौन सा ह्यूमन का क्लोजेस्ट रिलेटेड है, रिसेस मंकी, औरंगउटन, गोरिल्ला या गिबन, चलें बताएं फटाफट।
इसमें से कौन सा एक हमारे पास क्लोजेस्ट रिलेटिव है? यस 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 यस, गोरिल्लास आर क्लोजेस्ट रिलेटिव एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड करेक्टली, शाबाश, और सभी ने वोट दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलें तो देखते हैं, एक्चुअली जब आप क्रोमोसोमल पैटर्न पढ़ते हैं ना, तो क्रोमोसोमल पैटर्न पढ़ के समझ आता है कि जो बैंड्स हैं, जो जीन्स के बैंड्स हैं, हम पे और गोरिल्ला पे, वो कैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसे हैं, वो सेम है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से गोरिल्ला हमारा सबसे नियर बाय रिलेटिव है, ठीक है, ऑब्वियसली मम्मी पापा के बाद। चले जी, तो शिवानी जैन वर्मा अभी भी रैंक नंबर वन पे, पूजा जैन वर्मा, गौरव जैन वर्मा, सिद्धार्थ, योयो हनी सिंह, अजमेर से अर्पिता, एच सी वर्मा, सोनम चौधरी, श्रुति बघेला और एलीट गेमिंग सामदेव, ये सभी बच्चे क्या हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। इस क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर हमारे पास एलीट ने दिया और ये कारण है कि टॉप टेन में नजर आने लगे हैं हम। ठीक है जी, शुरू करें, फटाफट आ जाएं। ठीक है भाई, लाइक करते रहेंगे वीडियो को, और जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो कोड डाल देंगे 845137 टू आंसर करेक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है? इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है बताएं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से कौन सा पार्ट नहीं है? तो हम जानते हैं कि प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन की तो ट्रांसक्रिप्शन ही होती है। सो इंड्यूसर इज नॉट द पार्ट, इंड्यूसर जो होता है, इंड्यूसर पाया जाता है कहाँ पर हमारे पास, लैक ऑपेरॉन में, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर स्ट्रक्चरल जीन दे दिया, क्या तुक्का मार रहे हो यार आप लोग, हैं गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसे आंसर नहीं देना गलत तुक्का मार के, ठीक है। चलें जी बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ आते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि सबसे तेज आंसर किसने दिया है, हु हैज़ आंसर्ड करेक्टली। ओहो, सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर दिया, योयो हनी सिंह और अर्पिता ने, और ये रैंक में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि ये बच्चे थोड़े से पीछे थे हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, चलें आ जाएं, फास्टेस्ट है योयो हनी सिंह, चलें जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, 845137, बहुत अच्छे से खेलना है अगर आपने टॉप करना है यहाँ पर। तो द मैकेनिज्म दैट कॉजेज द जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जाने पर, जाने का जो जीन का फिनोमिन है उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या क्रॉसिंग हुआ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द एनसीईआरटी सवाल है, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा उन्हें पता होगा द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलोकेशन। जब जीन अपनी पोजिशन चेंज करती है तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है जी, पक्का। तो जो बच्चे हमारे पास आए हैं फटाफट क्या करें, कोड को डालें 845137, इस कोड को यूज़ करें और आ जाएं खेलने के लिए हमारे साथ क्विज। एंड शिवानी मिश्रा अगेन ऑन द टॉप, एंड हु इज़ द फास्टेस्ट वन, शिवानी इज़ द फास्टेस्ट वन। चलें भाई वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, शिवानी कौशिक, जय ठक्कर, विशाल परमार, हीना, सुशील कुमार, विष्णु प्रजापति, श्री राम, श्रुति, अदिति अग्रवाल, खालिदा तलुकबरा, बेटे बेटे वीडियो को क्या कर दो, आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, चलें चलें चलें, टाइम आ रहा है, गोनैड्स क्वेश्चन आ रहे हैं, गोनैड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, गोनैड्स एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो की किस लेयर से डेवलप करते हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, या बोथ बी एंड से, या दोनों से डेवलप किया करते हैं। चलें फटाफट, गोनैड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। सो वी नो दैट दे आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, कहाँ से डेराइव करते हैं, सभी बच्चों ने वोट दे दिया, एंड दे डेराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, बोथ बी एंड सी आंसर नहीं है, बी एंड सी आंसर तब जाता जब मैंने यहाँ पे पूछा होता हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड नहीं पूछा मैंने, मैंने यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी के बारे में पूछा था, मतलब कि गोनैड्स के बारे में पूछा था, और गोनैड्स मेसोडर्म से डेराइव होते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलें और देखते हैं सबसे तेज आंसर किसने दिया यहाँ पर, हु इज द करेक्ट, हु इज द फास्टेस्ट वन, चलें चलें चलें, शिवानी ने गलत आंसर दे दिया इसका, पूजा जैन वर्मा यहाँ पर बढ़ लेती हुई आगे बढ़ रही हैं, और वो बस थोड़े से ही डिफरेंस से दूर हैं शिवानी से, मतलब कि टॉप पोजीशन से, वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। चलें आ जाएं, और सिद्धार्थ ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, फटाफट 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 आ जाएं आ जाएं आ जाएं। ओके, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू अगर जब पोलन ट्यूब एंटर करता है सो क्या कहते हैं इसको, हम चेलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी या सूडोगैमी। चलें बताएं फटाफट बताएं, माई आंसर इज रॉन्ग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा बेटे, हिम्मत नहीं हारनी है, बताओ चेलाजल गैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी या सूडोगैमी। माइक्रोपाइल एक पोर होता है, उसके थ्रू जब एंट्री होगी तो इट विल बी नोन एज पोरोगैमी, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास क्या, पोरोगैमी,
समझ आ रही है मेरी बात? पक्का इसका आंसर चलाजोगैमी नहीं हो सकता, क्योंकि चलाजल एंड से एंट्री नहीं हो रही है। मिजोगैमी भी नहीं हो सकता, मिजोगैमी तब होती है जब एम्ब्रियो सैक के किसी भी एंड से, ओव्यूल के किसी भी एंड से, बीच में से क्या हो जाती है, किसी मिजो पोजीशन से, बीच वाली पोजीशन से एंट्री हो जाती है। और स्यूडोगैमी तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्यूडोगैमी का तो मतलब ही होता है कि नॉन फ्यूजन। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल था हमारे पास ये। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पसंद आए वो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो 845137 कोड डालकर हमारे साथ खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, चलें आगे। पूजा सिंह वर्मा ने गलत आंसर दे दिया, शिवानी मिश्रा अभी भी टॉप पर, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़त भी ले ली है यहाँ पर हमारे पास। कोई बात नहीं, जय ठक्कर बेटे, खेलते रहो, मज़ा आएगा। ठीक है, अजमेर अर्पिता नंबर 5 पर आ गई हैं, गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, चलें फटाफट। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन MSH इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिएट, पैराथायरॉइड, इनमें से किससे प्रोड्यूस हुआ करता है? चलें बताएं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इंटरमीडिएट लोब से, या पैराथायरॉइड्स? पैराथायरॉइड से तो नहीं होता, सो इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पार्स इंटरमीडिया। हमारे पास जो बीच में लोब होती है ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऑलमोस्ट फ्यूज होती है, इसलिए कहते हैं इसको एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड द करेक्ट आंसर वॉज दिस, 24 बच्चों में से 14 बच्चों ने सही आंसर इसका दिया है। तो देखते हैं कि कौन है हमारे पास फास्टेस्ट वन, कौन है। यो हनी सिंह ने गलत आंसर दे दिया, अर्पिता और सोनम चौधरी ने भी गलत आंसर दिया है, शिवानी मिश्रा ने बहुत सोच समझ के आंसर दिया। इनको कन्फ्यूजन रहा होगा शायद कि इसका आंसर हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी या हमारे पास इंटरमीडिएट लोब भी आंसर जा सकता है। ठीक है, यस सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस एंड आई थिंक वी हैव डन 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, या 20 से ज़्यादा भी हम कर चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटे, फटाफट खेलते रहें, पक्का। इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम एन ऑर्गेनेल इज फाउंड फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, वो क्या हुआ करता है? कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल? ये वाली बात आज मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाई थी, तो चलो उसका आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज कौन सा है हमारे पास? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे आंसर नहीं दे पाए हैं इसका, चलो खैर कोई बात नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन काम किया करता है, किनके अंदर? हमारे पास जो प्रोटिस्टास होते हैं, ठीक है ना, अमीबा और पैरामीशियम खास तौर पे। ठीक है, चलें तीनों पर मार, चलें आ जाएं जी। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं सबसे आगे कौन है हमारे पास। द फास्टेस्ट वन इज़ द 947, अर्पिता इज़ द फास्टेस्ट वन। ठीक है जी, चलें आगे, अगले सवाल पर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये रहा, चलें चलें भाई, मज़ा आ रहा है, हाँ या ना? कंप्लीट कोर्स रिवाइज हो रहा है आपको, उसको खेल में समझना, ये दिस इज़ नॉट अ गेम, दिस इज़ नॉट अ गेम एक्चुअली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व कैन रेगुलेट हार्ट बीट, इनमें से कौन सी क्रैनियल नर्व हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकती है? 10th, 9th, 8th, या 7th? आंसर इज क्रैनियल नर्व, एंड क्रैनियल नर्व होती हैं नंबर 10, कौन सी होती है हमारे पास? नंबर 10 हुआ करती है। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन 10, मतलब नंबर 1 हमारे पास सबसे सही आंसर था, और सिर्फ 1/4 बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, मेजॉरिटी बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आउट ऑफ द NCERT से था। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, खेलते रहो, ठीक है ना, आज खेलोगे तो कल हो सकता है जीत भी जाओ, बट खेलते रहो। ठीक है, चलें तो देखते हैं फास्टेस्ट कौन है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है इसका आंसर गलत दिया होगा, तो देखते हैं। शिवानी ने गलत आंसर दिया, हनी सिंह ने गलत आंसर दिया है, सिद्धार्थ ने गलत आंसर दिया, और श्रुति बघेला ने सही आंसर गलत आंसर दिया है। HC वर्मा ऊपर बढ़ गए हैं, और HC वर्मा का असली नाम क्या है, ये अपने नाम बता रहे थे यहाँ पर अभी। अच्छा, जय ठक्कर HC वर्मा है, ठीक है, वेगस नंबर बहुत सा करेक्ट आंसर, सही है जी, बढ़े आगे। ओके, आगे आते हैं भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज कम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनोइड, इनमें से कौन से एसिड कैरेटिनोइड के डेरिवेटिव्स हैं? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिबरलिक एसिड, या एब्सिसिक एसिड? चलें फटाफट फटाफट आंसर देना है जी आपको, 3, 2, 1। एक नेगेटिव एसिड है, नेगेटिव एसिड हिंट था मैंने दिया था आपको, यार क्या कर रहे हो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड नहीं है इसका सही आंसर हमारे पास। इंडोल 3 एसिटिक एसिड कैरेटिनोइड का एग्जांपल कैसे हो सकता है? एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर,
एब्सिसिक एसिड इसका करेक्ट आंसर था। मैं बोल रहा था एक ये नेगेटिव एसिड है, ये मतलब क्या करता है, ये इनहिबिट करता है चीज़ों को। एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड से ही बना हुआ करता है, ठीक है, प्लांट से बनता है ये, और मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको यहाँ टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है जी। चलें बढ़ जाएं आगे। ओके आगे आते हैं स्पीड में। शिवानी मिश्रा ने गलत आंसर दे दिया इसका, अर्पिता ने गलत आंसर दे दिया, गलत हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटे, खेलोगे जीतोगे तभी तो। यह पूजा जैन वर्मा नंबर वन पर आ गई है और गौरव जैन वर्मा नंबर टू पर चल रहे हैं, ठीक है यार। तुम लोगों ने बताया नहीं यार, आप लोगों ने, आप लोग क्या रिलेटिव्स हो पूजा जैन वर्मा और गौरव जैन वर्मा, क्या आप लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो इसलिए आपने ऐसा नाम रखा हुआ है, ये क्या कारण है। चलो अभी तो आप लोग खेल लो, पर खेलने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है जी। चलें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। 845137 कोड डाल लें, जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं हमारे पास वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम है, क्या आंसर है इसका। हम सब जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल को आपस में कनेक्ट कौन करता है, इसको कनेक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इनफैक्ट सिर्फ इसी को ही नहीं, फैट की मेटाबॉलिज्म, फैट की बीटा ऑक्सीडेशन को भी और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को भी यही करा करता है, ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी। और कौन है जी सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे, चलो देख लेते हैं सबसे पहले। पूजा जैन वर्मा, ओके ये नंबर वन पर हैं और यही फास्टेस्ट थी अब की बार, ठीक है जी। चलें आगे, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाएं। अगला सवाल, तैयार हो, सब तैयार हैं। चलो जी ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन, आ गया है क्वेश्चन, पूछा गया है यहाँ पर हमारे पास हमसे, फोटोसिंथेसिस टू अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस टू किस में होती है, और ऑप्शन थोड़े मुश्किल वाले हैं, स्ट्रोमा, साइटोक्रोम, ग्रेना या माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। चलो फटाफट बताओ, चलो जी चलो। यस सर एंजॉइंग दिस, अच्छा एंजॉय कर रहे हो ना, मज़ा आ रहा है, ठीक है। हम सभी जानते हैं और सभी बच्चों ने वोट कर दिया, सभी बच्चे जानते थे ग्रेना की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस टू हुआ करती है। क्या बोल रहे हो यार, स्ट्रोमा में नहीं यार, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, ग्रेना की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस टू हुआ करती है। यार फोटोसिंथेसिस कैसे लिखा गया है ये, एक मिनट, ये फोटो सिस्टम टू था, आपको ये वाली बात थोड़ी समझनी चाहिए थी, दिस वॉज फोटो सिस्टम टू, ये फोटो सिस्टम टू था हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमारा मतलब क्वेश्चन, मतलब देखते हैं कि किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है इसका। फोटो सिस्टम टू कहाँ पर होता है, फोटो सिस्टम टू हमारे पास हुआ करता है ग्रेना में, एंड हुआ आंसर इट करेक्टली। मुस्कान ने सबसे फास्ट आंसर दिया है और पूजा जैन वर्मा नंबर वन पे चल रही हैं, ठीक है ना, उनके एक रिश्तेदार जहाँ तक मुझे एक मैं समझ पा रहा हूँ, गौरव जैन वर्मा ये नंबर टू पर हैं, और शिवानी मिश्रा जो बहुत सारे क्वेश्चन से टॉप पर थी, ये नंबर थ्री पर आ चुकी हैं। ये जो सेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे मेंटी सेशन, ये आपसे दो तरह से फ़ायदा दे रहा है, एक तो आपकी रिविज़न हो रही है और दूसरा ये आपको इवेल्युएट करने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, आपको इवेल्युएट करने में हेल्प आपको कर रहा है कि आप कितने बच्चों से अच्छे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास मतलब हज़ारों बच्चे नहीं खेल रहे हैं, हमारे पास 25 बच्चे खेल रहे हैं, पर 25 बच्चों में से अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन बेटे अच्छी चल रही है, ठीक है। चले आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं 845137, और वो अभी भी इस गेम को जीत सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज NO2 नेगेटिव, अमोनिया, NO3 नेगेटिव या ग्लूटामेट। क्या है जी फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास, चलो बताओ फटाफट। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज, सभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अमोनिया हमारे पास क्या हुआ करता है लेग्यूमिनस प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ करता है, क्योंकि राइजोबियम जो है हमारे पास वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ क्या करता है, फिक्स करता है, और उसका जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस वो क्या करता है, वो हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में। सो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द अमोनिया, ठीक है। आ जाए आगे, 845137 कोड डाल दें बच्चे जो अभी अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी भी आप जीत सकते हो। यो यो हनी सिंह ने गलत आंसर कर दिया, पूजा जैन वर्मा टॉप पर, गौरव जैन वर्मा सेकेंड टॉपर और शिवानी मिश्रा नंबर थ्री पर, चलो गुड। अगला क्वेश्चन बेटे ये रहा आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देंगे। 845137 को डाल दीजिए menti.com पर जाकर। स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, स्टोमेटा ऑफ द प्लांट किस वजह से ओपन हुआ करते हैं,
नंदनी आंसर दो इसका, इन्फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन या इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। क्यों होते हैं स्टोमेटा ओपनिंग, क्यों होती है स्टोमेटा की ओपनिंग, इसलिए होती है क्योंकि कुछ आयन्स अंदर आते हैं, कौन से वाले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या पोटेशियम, पोटेशियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स की इन्फ्लक्स की वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं हमारे पास ओपन हो जाते हैं, क्योंकि गार्ड सेल में क्या होता है प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ट्रेजर प्रेशर बढ़ जाया करता है। तो द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और देखते हैं इस बॉटनी के सवाल का किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। सबसे फास्ट जो यहाँ पे रहा है हमारे पास श्रुति बघेल ने तो आंसर गलत दे दिया, द फास्टेस्ट वन इज द सिद्धार्थ ने आंसर सबसे तेज दिया है, बट सिद्धार्थ काफ़ी पीछे हैं, अभी करीब 5000 पॉइंट पीछे हैं ये हमारे टॉपर से जो पूजा जैन वर्मा है और हमारे सेकंड टॉपर से जो हम गौरव जैन वर्मा है। ठीक है जी नंदिनी बेटे आंसर नीचे चैट बॉक्स में मत दो, इफ़ यू हैव टू आंसर इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले जस्ट गो टू menti.com एंड यूज दिस कोड 845137। ओके चलिए क्वेश्चन इज कमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग हियर, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क व्हिच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, इनमें से कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है, बच्चे सोच समझ के आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन है G1S, G2M, या बोथ G2 एंड M फेस। चलें जी तो ऑब्वियसली बात है ये फेस हमारे पास ये काम कब करेगा, ये हमारे पास काम चलेगा एस फेस से पहले, एस फेस से पहले डीएनए की चेकिंग होगी और डीएनए की चेकिंग होने के बाद पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चेक पॉइंट है ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास G1S वाला, कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास G1S वाला एक चेक पॉइंट हुआ करता है। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, मुझे नहीं पता क्यों बट गलत दिया है। ठीक है चलें राखी नहीं राखी नहीं ऋतिक वर्मा, ओके चलो तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। आज मज़ा आ रहा है आप लोगों को खेलने में क्योंकि आंसर गलत हो रहे हैं, आज के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है। तो कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ अर्पिता सिद्धार्थ और मुस्कान ने सही आंसर दिया है इसका, शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश। ठीक है चलें जी बढ़ जाएं आगे, ओके हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएंगे हमारे साथ 845137 पर। और क्वेश्चन पूछा गया है विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चरल रिजेम्बलिंग क्लोवर लीफ, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, चलें बताएं कौन है यहाँ पर। लगता है सभी बच्चों ने आंसर दे दिया इसका, एवरीवन हैज वोटेड आई थिंक सो हमारे पास। और हम जानते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को रिजेम्बल करता है टीआरएनए, सो टीआरएनए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड यस बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका सही भी दिया है, गुड शाबाश भाई। जितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया भाई वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, एवरीवन इज गोइंग टू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने ट्यूशन मेट्स के साथ, अपने कोचिंग मेट्स के साथ इस वीडियो क्या करें शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में पहुँचाएँ हमें। ठीक है जहाँ पर क्या हो जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाएँ जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी चलें आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट इज कमिंग, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। लगभग सभी ने सही आंसर दिया है इसका, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को छोड़ के, मुस्कान ने आंसर गलत दे दिया, खैर कोई बात नहीं चलें। ओके अभी भी टाइम है अविनाश, अभी भी हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और फ़ायदा उठाने के बाद आप इसको जीत भी सकते हैं। ठीक है जी चलें जी बढ़ जाएं आगे, मुश्किल तो नहीं है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ये रहा बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलें फटाफट आंसर देंगे। हाँ एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिक्यूलेटेड, इनमें से कौन सा सेल मैच्योरिटी पे आने के बाद इनिक्यूलेटेड हो जाता है, ऑप्शन आर सीव सेल, कंपेनियन सेल, पैलिसिड सेल या कॉर्टिकल सेल्स। मैं बोल देता हूँ वो परमानेंट सेल है, क्या है वो, एक परमानेंट टिश्यू है। अब तो बताओ उसका आंसर क्या है हमारे पास, यस द करेक्ट आंसर इज सीव सेल्स, जो सीव ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस लॉस लूज कर देते हैं क्योंकि वो फ्लोएम में होते हैं, और फ्लोएम में उनका काम क्या होता है, शुगर की ट्रांसपोर्ट करना, वो शुगर को ट्रांसपोर्ट किया करते हैं और इस वजह से उनको अपना न्यूक्लियस लूज करना पड़ता है, सो दे बिकम इन्यूक्लिएटेड। सही है जी पक्का बढ़ जाएं, ओके तो देखते हैं कि वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया पर सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है इसका, हु इज़ द फास्टेस्ट वन ये पता लगाना पड़ेगा। एच सी वर्मा अगेन गलत आंसर दे रहे हैं, अविनाश ने काफ़ी सोच समझ के आंसर दिया है यहाँ पर, एंड अर्पिता इज़ द फास्टेस्ट। और ये बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना ये बहुत ही सुपर ऑसम स्टूडेंट्स हैं बिकॉज इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये 15 सेकंड में आंसर दे दे रहे हैं,
ठीक है, नीट में फिर भी आपको एक मिनट मिलता है क्वेश्चनों करने के लिए, यहाँ पर मैं आपसे 1/4 टाइम में आंसर करवा ले रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, चलें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, अगला सवाल ये रहा नंदनी, यू हैव टू आंसर हेयर। ठीक है अनुज दास, यस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, अब यहाँ पर आ जाओ और इसका आंसर दो। प्लेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, प्लेजेंटेशन टोमेटो और लेमन में कैसी हुआ करती है, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल या एक्साइल? चलो फटाफट बताओ, पैराइटल बाउंड्री पे होते हैं, फ्री सेंट्रल बीच में पड़े होते हैं, मार्जिनल एक मार्जिन पे होते हैं, पी की तरह ये एक्सिस पे होते हैं। सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्साइल एक्सिस पे हुआ करते हैं, और लगभग आधे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, उसके अलावा आंसर बच्चे नहीं दे पाए हैं। चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर जितना उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे, मुश्किल तो नहीं है, ओके शाबाश गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। उससे पहले देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। पूजा जैन वर्मा, गौरव जैन वर्मा, एस सी वर्मा, इन सभी ने आंसर, और अविनाश ने गलत आंसर दिया है, और अर्पित जैन अब नंबर 2 पर आ गए हैं। और यहाँ पर मैं ये वाली बात भी समझ पा रहा हूँ कि पूजा जैन वर्मा और गौरव जैन वर्मा ये दो अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही इंसान है। ठीक है, इनके पास दो फ़ोन है और मेरे ख्याल से दोनों फ़ोन से एक साथ खेल रहे हैं ये, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। ठीक है सर, टाइमिंग क्या है कल की क्लास की? बेटे कल दो क्लास है हमारी, एक है 6 PM और एक है 8 PM। 6 बजे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या पढ़ेंगे हम, स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, और हम 8 PM वाली क्लास में पढ़ेंगे क्या, एक बहुत ही अच्छा सेशन करेंगे उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा 6 PM पे। ठीक है चलें, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय। ठीक है ओके, बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, अगला क्वेश्चन बेटे ये रहा हमारी स्क्रीन पर, चलें, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज द एज वेल एज द एनस माउथ एज वेल एज एनस। मुझे लगता है ये बेटे ये वाला क्वेश्चन में से स्किप हो गया है, आपको इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है क्योंकि मैं इसका आंसर मार्क नहीं करा है, यस यस जहाँ तक मुझे लग रहा है, और इसका आंसर मैं मार्क नहीं कर पाया था जैसे कि मुझे लग रहा था, सॉरी यार। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है सभी का ही गलत होगा ये वाला आंसर। ठीक है आप इस वाले क्वेश्चन पर आएँ, फटाफट आएँ। मैनिटॉल इज अ स्टोर्ड फूड इन, मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल हमारे पास स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड किस में है, कारा में, पॉरफायरा में, फ्यूकस में, ग्लैसिलेरिया में? चलो बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर दो, कारा, पॉरफायरा, फ्यूकस या ग्लैसिलेरिया? आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक ब्राउन एल्गा है, क्या है हमारे पास, ये ब्राउन एल्गा है, एंड येस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्यूकस, फ्यूकस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक चलें आगे, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, कि मैनिट किस किस को पता था कि मैनिटॉल प्रेजेंट होता है, पूजा जैन वर्मा, अर्पित और जैन वर्मा ने गलत आंसर दिया है, शिवानी मिश्रा ने आंसर सही दिया, और शिवानी मिश्रा फिर से रैंक 2 पर आ गई है। किस पर आ गई हमारे पास, रैंक 2 पर आ गई हैं, ये चाह रही हैं, कह रही हैं मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ, और इन्होंने अर्पिता को और गौरव जैन वर्मा को पीछे धकेल दिया है। ठीक है जी, पक्का जी, ठीक है बढ़ जाएँ आगे, मुश्किल तो नहीं है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, रेडी हो सभी लोग? यस सर। चलो अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन हैज कम, विच एनगल्फ्स पैथोजन रैपिडली, इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो पैथोजन को बहुत स्पीड में एनगल्फ करता है, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स? चले बताएं 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 बताएं, स्पीड में आंसर देंगे, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स? हम सभी जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस काम किया करते हैं न्यूट्रोफिल्स, कौन काम करा करती हैं, न्यूट्रोफिल्स, और रैपिडली पूछा गया था, मोनोसाइट्स भी एनगल्फिंग करते हैं, बट रैपिड एनगल्फिंग कौन करा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल्स किया करते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात, आसान है, यस दे आर नोन एज माइक्रो पुलिसमैन। चलें तो देखते हैं जी किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया हमारे पास, इसका आंसर बेसोफिल्स तो नहीं हो सकता था क्योंकि तो सेरोटोनिन, हिपेरिन और सोमैटोस्टैटिन क्या करते हैं वो रिलीज किया करते हैं, हिस्टामिन्स को रिलीज किया करते हैं, वो नहीं हो सकता था। पूजा जैन वर्मा रैंक 1 पर, गौरव जैन वर्मा रैंक 2 पर आ गए हैं, शिवानी मिश्रा रैंक 3 पर हैं, और अर्पिता रैंक 5 पर, और हनी सिंह नंबर अर्पिता रैंक 4 पर हैं, और हनी सिंह रैंक 5 पर हैं। ठीक है चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, बताएंगे फटाफट क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, आ जाओ स्पीड में, आ जाओ स्पीड में,
लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स या हाइट ऑफ द प्लांट। हर्बेरियम की जो शीट होती है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स या हाइट ऑफ द प्लांट। बेटे हाइट ऑफ द प्लांट कैसे बता सकते हैं, मतलब ये तो वेरी करेगी ना प्लांट टू प्लांट। तो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी, हाइट ऑफ द प्लांट। और बेटे ये हमारे पास था आज का लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि किस बच्चे ने सबसे मतलब सबसे अच्छा कौन खेला। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रिया जैन वर्मा इसको सबसे अच्छा क्वेश्चन उन्होंने खेला है, और देखते हैं कि कौन है नंबर वन। सो ऑन द नंबर वन इज़ द पूजा जैन वर्मा नंबर वन पर हैं, और सबसे फास्ट आंसर दिया है हमारे पास किसने, एच सी वर्मा ने। बट अब ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पूजा जैन वर्मा जीत चुकी हैं, पूरे इन्होंने 20,015 पॉइंट कमाए हैं आंसर देते देते, ठीक है। सो दैट वॉज अमेजिंग सेशन। अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दीज क्वेश्चंस में रिपीट इन द एग्जाम। नीट में सारे सवाल बड़े ही नहीं आते, नीट में कुछ सवाल छोटे भी आते हैं, और ये छोटे सवाल जो थे, स्मॉल क्वेश्चन जो थे, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, ठीक है। मैं फिर से लेकर आऊँगा एक मेंटी सेशन फ्राइडे को, तब तक के लिए आप लोग बैठे रहिए, और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना इस वीडियो के बाद कि किस टॉपिक का आपको सेशन चाहिए, इकोलॉजी का चाहिए, जेनेटिक्स का सेशन चाहिए, मेंटी सेशन, या आपको डाइवर्सिटी का सेशन चाहिए, या सेल बायोलॉजी का चाहिए। जिसका भी चाहिए मुझे बताइए, आई विल ब्रिंग दैट टू यू। और तब तक के लिए जो भी बच्चे हमारे पास, सभी बच्चे एक बार क्लैप कर देंगे पूजा सेन वर्मा के लिए, इन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला, और इनकी नॉलेज जो है वो अपरंपार है, और ये सिर्फ 15 सेकंड में आंसर दे गई हर सवाल का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा शिवानी मिश्रा ने आप बहुत अच्छा खेला, और हमारे पास अर्पिता ने भी बहुत अच्छा करा, और गौरव जैन वर्मा। तो आप पूजा जैन वर्मा और गौरव जैन वर्मा मुझे कमेंट करके बताना कि आर यू बोथ आर रिलेटेड, आप दोनों आपस में रिलेशन कोई है आपका, कि आप लोग भाई बहन हो या रिश्ते में हो, कुछ भी जैसा भी हो मुझे बताना, मैं इस बात को जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, ठीक है। ओके, सो नंदिनी ने क्लैप किया, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहें बहुत अच्छे से, मैं कल फिर आऊँगा 6 बजे और करेंगे हम एक सुपर अमेजिंग सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।